अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछले वीडियोस में आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो थैंक यू सर जी आप लोगों के लिए। बाकी ये देखें 10 टेबल्स कराची स्नोकर फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रहे हैं। मिस्टर लॉन्च स्नोकर क्लब है कमर्शियल मार्केट के अंदर। तो ये 5 मिलीनियम टेबल्स हैं, ये बैक पे लगी हुई हैं, ठीक है। ये भी प्रोसेस में है अपनी, ये 5 टेबल्स ये आ गई। सवार टेबल लग रही हैं 5 फ्रंट पर, 5 टेबल्स ये आ गई। और इस टाइम पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब है ये कमर्शियल मार्केट के अंदर, पिंडी कमर्शियल मार्केट, मिस्टर लॉन्च स्नोकर क्लब है। 6 टेबल्स रूम के अंदर हैं, वो अरीना बना हुआ है यहाँ पर। इस टाइम पे तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही है, इससे बड़ा क्लब कोई भी नहीं है इस टाइम पर पाकिस्तान में। इतना बड़ा ये बनाओ, इस पैमाने पर बनाओ, ये देखें। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बनाया कराची स्नोकर फैक्ट्री। ये इंपोर्ट टेबल्स हैं वराका क्लासिक। पक्की बार ये टेबल्स हमारी कराची स्नोकर फैक्ट्री की। ये भी प्रोसेसेस में है, मिस्टर नियाज हुसैन साहब कराची स्नोकर फैक्ट्री के ऑनर। ये डिजाइन है, इसके ऊपर गोल्डन यानी कि अंदर है, ये तो ऊपर कवर हुई है, ये देखें ये अंदर से गोल्डन है। तो अभी ये है कि लेवलिंग शेवलिंग हो रही है, लेवलिंग के बाद इंशाल्लाह इसको कपड़ा वपड़ा लगाने के बाद फिनिशिंग करेंगे। इसके स्टील कुशन भी उस साइड पे लगे हुए हैं, ये स्टील कुशन पड़े हुए हैं, ये 10 टेबल्स के स्टील कुशन और बॉर्डर है वुड कुशन, ये देखें। अभी रात के 1 बज रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल इसको कपड़े शपड़े लगना भी स्टार्ट हो जाएंगे, कुशन्स वगैरह भी रेडी हो जाएंगे। वो वराका M1 लगी हुई है टेबल्स फ्रंट पर साथ में, उस तरफ भी रूम्स हैं 2। कराची स्नोकर फैक्ट्री ने ये क्लब बनाया था 2013 में, उसके बाद अभी ये लोग अपडेट दोबारा करवा रहे हैं। 10 टेबल्स की रेजन की लगा रहे हैं, उनके बाद पहले जो टेबल्स लगी हुई थी वो वराका M1 लगी हुई थी। तो ये लोग भी अपना क्लब अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है प्लेयर्स हैं हमारे वो न्यू लुक्स और न्यू चीज़ मांगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें नई नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं। तो पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत। और सेकेंडली ये कि मज़ीद इस वीडियोज़ में भी आप लाइक और शेयर करें, किसी ने रिपेयर करवानी है अपनी टेबल तो वो हमसे रब्ता करें। ऊपर मैं अपना कमेंट्स बॉक्स में भी नंबर दे दूँगा और ऊपर भी मैंशन कर दूँगा आप लोगों को। बाकी अपनी यूज टेबल्स मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, हमें मुझे दें और मैं आपको उसको न्यू लुक बना कर दूँगा। जैसे कि ये टेबल्स आप देख रहे हैं, इन्होंने हमें फ्रेम ऑर्डर पुराने दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम पार्टी इन्होंने हमें पुराने दिए हैं, और इसके बाद हमने इनको न्यू फ्रेम पार्टनर्स दिए हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बोला कि वो हम गोल्ड रिपेयर नहीं करवा सकते थे, हमें न्यू चाहिए, हम लुक न्यू देना चाह रहे थे, उनको न्यू दे दिए। तो उस वजह से पिंडी कमर्शियल मार्केट के अंदर मिस्टर लॉन्च स्नोकर क्लब है, इनकी इंशाल्लाह जुमे हफ्ते को ओपनिंग है, रिसेंटली जुमे हफ्ते को ओपनिंग होगी। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, इनको देखें। तो बाकी इनके जो पुराने स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो भी वहाँ पर हमने खोल के रख दिए, साइड पर आप देख सकते हैं। देखिए हाँ, जो है ना अपडेट्स करना पड़ता है प्लेयरों का, कस्टमर्स का जो है रद्द अमल देखना पड़ता है कि वो क्या डिमांड करते हैं। ग्राउंड लोग होते हैं ऊपर से सेम होते हैं, नीचे से लुक वाइज ज़्यादातर आपको पता है जिस तरह से कॉम्पिटिशन हो गया है ना आज के, लुक बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे लिए, फेमस हो गई कि लुक होना चाहिए क्लब में, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उस वजह से ये लाइटिंग वाइटिंग ये सब खर्चा करने का मतलब ये होगा एक लुक बन जाए ना, तो इसलिए जो टेबल भी न्यू मॉडल्स की हमें लगानी पड़ती है लुक के लिए, कस्टमर आए देखे तो वो खुश हो, अच्छा लगे उसको, तो उसके खेले उसको मज़ा भी आए। बाकी इंशाल्लाह आप लोग रब्ता करें इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को और भी किसी चीज़ की मालूम, कपड़े वगैरह चेंज करवाना है, रिपेयरिंग के हवाले से कुछ भी, तो आप मेरा नंबर का मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़।